हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम सुजीत है। आज का इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ टचवुड। तो इसका MRP है 281। आपको ये 270-265 में मिल जाएगा। तो ये ग्लॉसी पेंट है, इसमें कोई कलर नहीं आता है, ये ग्लेज के लिए यूज़ होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को दिखाऊँगा इसको कैसे अप्लाई करना है। ये आपको मैं टाइल्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊँगा, जो टाइल्स का जो ग्लेज होता है, ग्लेज चल जाता है, फिर से कैसे शाइनिंग लाना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आप भी ये पेंट बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर में, टाइल्स में, बालकनी का, बहुत जगह। तो दोस्तों पहले ये पेंट आपको एक खाली डब्बा में आधा ले लेना है। इसमें टारपिन ऑयल नहीं मिलाना है। इसमें टारपिन ऑयल आप मिला सकते हैं 50 ml जैसा लीटर में, लेकिन जहाँ ज़रूरत लगेगा वहीं पर, जैसे वुडन का ऊपर या फिर गेट अप्लाई कर रहे हैं तब आप 50 ml टारपिन ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये टाइल्स के ऊपर अप्लाई करूँगा तो मैं टारपिन ऑयल इसमें नहीं मिलाऊँगा, रॉ अप्लाई करूँगा डबल को। तो दोस्तों ये पहले डिब्बा खोल के अच्छा से इसको मिला लेना है घंटा से, उसके बाद आधा एक डिब्बा में हाफ ले लेना है। एक ब्रश लेना है और जहाँ पे अप्लाई करना है तो उसको सरफेस एरिया पहले बना लेना है, पहले अच्छा से साफ कर लेना है। तो कैसे साफ होता है वो भी मैं दिखा लूँगा। तो ये आपको मैं बालकनी का टाइल्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊँगा, ग्लेज के लिए शाइनिंग जैसा है, ग्लॉसी चल गया, इसीलिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का मटेरियल रेडी। अब इसको लेना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये हो गया फ्रंट, ये एक क्वार्टर है तो इसका फ्रंट में टाइल्स लगाया हुआ है। तो ये जो टाइल्स है ये मैट फिनिश है तो इसमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको ग्लॉसी करना है। तो इसको मैं आपको टचवुड इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों